आईपीएस जिसे लोग सिंघम के नाम से जानते हैं, जिसने बिहार में अपराधियों को धूल चटाई और जनता के दिलों में एक खास जगह बनाई। शिवदीप लांडे ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर अचानक ही हैरान कर देने वाला फैसला शिवदीप लांडे ने क्यों लिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने, जिन्होंने बिहार के कई जिलों में अपनी छाप छोड़ी, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने गुरुवार को अपने फेसबुक अकाउंट के एक पोस्ट से दिया। उन्होंने भावुक होते हुए पोस्ट किया कि अगर उनकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो वह क्षमा प्रार्थी हैं। शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी साफ किया कि वह बिहार नहीं छोड़ेंगे। उनके पोस्ट में बिहार ही मेरी कर्मभूमि रहेगी। इस बयान के बाद लोग यह सोचने लगे हैं कि आखिर शिवदीप लांडे अब किस क्षेत्र में अपनी सेवा देंगे। पटना से लेकर पूर्णिया तक शिवदीप लांडे ने अपराध के खिलाफ जो इमेज बनाया था उससे वह लोगों के दिलों में बस गए। पटना में एसपी रहते हुए उन्होंने कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ा और जनता के बीच सिंघम के नाम से मशहूर हो गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवदीप लांडे राजनीति में कदम रखने वाले हैं। हालांकि शिवदीप लांडे ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वह किस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है राजनीति, क्योंकि आजकल बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प बनकर उभर रहे प्रशांत किशोर की खूब चर्चा है और वह अक्टूबर में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। वहीं पार्टी के ऐलान से पहले ही उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है। अपनी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग दिखाने के लिए उन्होंने 6 दिग्गज अधिकारियों की टीम बनाई है। इस टीम में पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जो पार्टी के संविधान का मसौदा लिखने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आईपीएस आनंद मिश्रा की तरह शिवदीप लांडे भी अब राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। दरअसल आईपीएस आनंद मिश्रा ने भी नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री की। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव बक्सर से निर्दलीय लड़कर किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी फिलहाल उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ जन सुराज से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या बिहार के सिंघम अब राजनीति में अपनी नई इबारत लिखेंगे या उनका कोई और प्लान है, ये तस्वीर तो आने वाले दिन में ही साफ हो पाएगी। तब तक के लिए बने रहें जी बिहार झारखंड के साथ।